तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि 61% लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। हम 2,70,000 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। चलो दोस्तों, इस वीडियो में भी मैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ देने वाला हूं, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है नेज़ म्यूज़िक की तरफ से। तो नेज़ म्यूज़िक का नया सॉन्ग क्लासरूम रिलीज़ हो चुका है ऑफिशियल म्यूज़िक वीडियो के साथ में, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही इस सॉन्ग के जो क्लोथिंग पार्टनर हैं वो हैं अर्बन मंकी और यही हमारे भी हैं, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है संजय की तरफ से। तो संजय का जो सॉन्ग आने वाला है बेड पे, उसका टीजर रिलीज हो चुका है, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है कलमिंग की तरफ से। तो कलमिंग ने एक स्टोरी डाली हुई थी जिस पर उन्होंने लिखा हुआ था बिग मूव्स दिस ईयर। तो अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है फरहान खान की तरफ से। तो फरहान खान और मुनावर फारूकी का भी नया सॉन्ग खामोशी रिलीज हो चुका है। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है बेला की तरफ से। तो बेला का भी नया गाना स्पॉटिफाई पे रिलीज हो चुका है, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है विजय डीके की तरफ से। तो विजय डीके का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो फिर से हैक हो गया है, उन्होंने एक और नया अकाउंट बना लिया हुआ है जिस पर उन्होंने कुछ स्टोरीज डाली हुई थी, आप देख सकते हो। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है एमसी स्टैन की तरफ से। तो एमसी स्टैन से रिलेटेड काफी सारी न्यूज़ हैं। तो जो मूफार्ड हैं वो अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आए हुए थे और उनके साथ में रागा भी थे, शायद वो उनके कोलैब सॉन्ग की शूटिंग के लिए गए हुए हैं और उनसे वहां पर पूछा हुआ था एमसी स्टैन के कोलैब के बारे में। तो आप खुद देख सकते हो मूफार्ड ने क्या कहा हुआ है। एमसी स्टैन के साथ कोलैबोरेशन करो, रागा तेरा आ रहा है ना? साथ ही आपको पता होगा पिछली एक दो वीडियो अगर आपने देखी होंगी तो जो ग्रेविटी है उन्होंने कुछ स्टोरीज डाली हुई थी, एमसी स्टैन ने एक स्टोरी डाली हुई थी, साथ ही एमसी इंसेन ने भी स्टोरी डाली हुई थी। तो जो ग्रेविटी है उन्होंने फिर से एक स्टोरी डाली हुई थी जिस पे उन्होंने लिखा हुआ था इतने छपरी अपने प्रोफाइल पे अच्छे म्यूजिक की वजह से आ भी नहीं सकते। साथ ही जो वर्धमान है मतलब की एमसी स्टैन के होमी, उन्होंने ग्रेविटी को मेंशन करते हुए एक स्टोरी डाली हुई थी जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था ग्रेविटी क्राई बेबी क्राई, रिमेंबर ओनली योर म्यूजिक इज गोना टेक यू प्लेसेस, नॉट बीइंग अ क्राई बेबी ऑन आईजी। साथ ही मैं आपको बता दूं मुझे आज इंस्टाग्राम पर एक भाई ने बताया हुआ था कि जो काम भारी हैं उन्होंने एमसी स्टैन को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया हुआ है और मैंने भी चेक किया हुआ था एमसी स्टैन उनकी फॉलोइंग लिस्ट में नहीं है। अब ऐसा क्यों किया हुआ है अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगली जो न्यूज है वो आ रही है रफ्तार की तरफ से। तो रफ्तार ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली हुई थी जिसके नीचे उन्होंने लिखा हुआ था गर्देश में मिलेंगे हैशटैग हाउ टू हेट। और आपको पता ही होगा कि रफ्तार का कोलैब सॉन्ग आने वाला है एमसी स्टैन की एल्बम में जिसका नाम है हाउ टू हेट। हो सकता है कि रफ्तार का यही लुक हमको देखने के लिए मिले उस सॉन्ग में, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।